हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम मंदिर के स्वरूप के बारे में। जो पहली झलक आई है अयोध्या से सामने, वो अद्भुत अलौकिक अकल्पनीय है, जिसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं श्री रामचंद्र पत्थर में नहीं, उनके प्राण उसमें समाये हुए हैं और प्रभु श्री रामचंद्र बोल देंगे। इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार 500 साल से अधिक का समय बिताने के बाद मिला है। जिस तरीके से त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या वापस आए थे, उनकी आने की खुशी में पूरे अयोध्या ने, पूरे देशवासियों ने दीपावली का त्यौहार मनाया था, पूरे अयोध्या को दीप से जलाया था। वैसे बाबर की कलंक को मिटाकर लगभग 500 साल से अधिक का इंतजार करने वाले हम सनातनी हिंदुओं ने दोबारा जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महलों में वापस आ रहे हैं, उसका साक्षी बने हैं और ऐतिहासिक स्वरूप के साथ प्रभु श्री रामचंद्र का पूजा पाठ के साथ साथ पूरे देश में पुनः दिवाली मनाई जा रही है। जिस तरीके से ऐतिहासिक क्षण के साक्षी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की लेखपाल श्री आनंदी बहन पटेल जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत व संतगण और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार शामिल रहे। वहीं दोस्तों, जिस तरीके से प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो अद्भुत क्षण था जब प्रभु श्री राम जी को दंडवत प्रणाम कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और उससे भी अद्भुत जब तक हुआ जब देश के प्रधानमंत्री द्वारा जिन लोगों ने, मजदूरों ने राम मंदिर को बनाया है, उनके ऊपर फूल वर्षा कर रहे थे। ये अद्भुत क्षण था क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जैसे महान भगवान के लिए ऐसे शिष्य का होना बहुत जरूरी है जो उनकी राहों पे चल सके। जिस तरीके से भगवान ने अपने सभी मित्र को, चाहे वो भालू सेना हो, चाहे बंदर सेना हो, चाहे वनवासियों, सबको गले लगाया था, वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र की तरह ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हम मजदूरों के लिए साथ खड़े रहते हैं और उनको हमेशा कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देने की। तो दोस्तों, हम आगे आप बताने वाले हैं किस तरीके से हम सनातनी हिंदुओं ने इतने संघर्ष के बाद ये प्राप्ति की है राम मंदिर की। वहीं दोस्तों, जिस तरीके से इस ऐतिहासिक घड़ी के लिए हमने सनातनी हिंदुओं ने 500 साल से अधिक का संघर्ष किया, यह अद्भुत अलौकिक क्षण आज हमारे सामने हैं। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो गया है और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महलों में विराजमान हो गए हैं, राम मंदिर का कार्य और तेजी से होगा और लगभग 2024 खत्म होते होते पूरी मंदिर संपूर्ण तैयार हो जाएगी। वहीं दोस्तों, राम मंदिर का सभी के लिए दर्शन कल से चालू कर दिया जाएगा, उसके बाद सभी आम जनता भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर पाएगी। जिस तरीके से सभी सनातनी हिंदुओं ने 500 साल का संघर्ष किया है, अब हम लोग की एक और मांग है। जिस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र का मंदिर बना है, वैसे मथुरा और काशी में भी भगवान का मंदिर बने और हमारी जो तीन मांगे थी, मथुरा, काशी और श्री राम जन्मभूमि का जो लोगों ने अत्याचार किया, मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनाई, उसको समाप्त किया जाए और जहाँ प्रभु का जन्म हुआ है वहीं पर उनकी स्थापना की जाए। जिस तरीके से ये अद्भुत क्षण आज हम लोग के सामने आया है, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, ऐसी प्रभु से इच्छा है कि जल्द ही प्रभु श्री कृष्ण जी का भी मंदिर अयोध्या में बनेगा और हम लोग को दोबारा ये शुभ घड़ी का अनुभव प्राप्त होगा। आप लोग पूरे देश में दीपावली मना रहे हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने पूजा पाठ किया या नहीं किया, आपके यहाँ भंडारा पाठ कीर्तन हुआ या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर।